हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेल सीखने की सीरीज में। हमने लास्ट क्लास में फॉर्मेट मेन्यू को समझा हुआ है, जिसमें हमने रो की हाइट, कॉलम की वेट एंड रो कॉलम को हाइड करना, अनहाइड करना, टैब कलर करना, टैब को अपने सीट को प्रोटेक्ट करना, इन तमाम ऑप्शन को बारे में हमने समझ लिया है। और मैं यहाँ पे दिखाऊं तो हमने लास्ट क्लास में इस टेबल पे काम किया हुआ है, जिसमें हमने फॉर्मेटिंग किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जितने भी सेल की हाइट एंड ब्रेथ है, वो सब कुछ एक परफेक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल इक्वल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हमने कल के क्लास में काम किया हुआ है। और यहाँ पे हमने टैब कलर भी चेंज किया हुआ है। तो ओवरऑल हमने लास्ट क्लास में फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शन भी हमने देख लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला, वो होने वाला है एडिटिंग टूल बार के ऊपर, जिसके अंदर हमें कुछ ऑप्शन देखने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन है, एक है हमारे पास ऑटो सम, दूसरा है फिल और एक है क्लियर, और यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड एंड सेलेक्ट। तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, एक तो सॉर्ट एंड फिल्टर है और यहाँ पे ऑटोसम एंड फिल इम्पॉर्टेंट, तीन ऑफ टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम सबको कवर करेंगे, सबको समझते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को ऑटोसम के साथ। ऑटोसम बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये समेशन करने का काम करता है, न्यूमेरिकल डेटा को जोड़ने का काम करता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे आपको करके भी दिखाया हुआ है। कुछ नंबर्स को हमने मार्क्स को जोड़ा भी हुआ है, और चूंकि यहाँ पे सभी इक्वल है इसलिए यहाँ पे टोटल भी इक्वल ही आया था, बस हमने समझने के लिए यूज किया था। तो इसमें हमने सम फॉर्मूला लगाया हुआ है, जबकि हमने मैनुअली टैग किया था, लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक वाला काम हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस नंबर में कुछ चेंजेस कर देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले डेटा चेंजेस कुछ कर देता हूँ। ओके, और मैंने यहाँ पे सब में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए। तो अब यहाँ पे सबका अलग अलग डिफरेंट टोटल होके आने वाला है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो बिल्कुल मैं आसान ट्रिक बता रहा हूँ। जो भी न्यूमेरिकल डेटा को आपको जोड़ना है उनको आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑटोसम पे जस्ट क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो 132 आ चुका है। फिर से हम यहाँ पे सिलेक्ट किया और फिर से हमने ऑटोसम पे क्लिक किया, यहाँ पे 130 आ चुका है। लास्ट वाले को भी मैं एक बार करूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ऑटोसम पे क्लिक किया, यहाँ पे 91 आ चुका है। कितना आसान तरीका है, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, कोई टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल जस्ट सिलेक्ट करके ऑटोसम पे क्लिक करना। इवन इसका एक शॉर्टकट की भी है, अल्ट इक्वल टू। सपोज मैं यहाँ पे करूँगा अल्ट इक्वल टू, तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुका है। बस हमसे ये कन्फर्मेशन के लिए कह रहे हैं कि क्या इनको जोड़ दूँ, तो हाँ जोड़ दीजिए। एंटर बटन मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे इसका एडिशन 114 आ चुका है। तो आई होप कि यहाँ पे ऑटोसम आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ इसके कंडीशन है, उनको भी हमें समझना जरूरी है। सपोज मैं यहीं पे आपको कुछ इसके रूल्स एंड कंडीशन को दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर को कर लिया इनपुट। ओके, अब मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि इसमें से बीच में से किसी कर डेटा को कर देता हूँ डिलीट। देन अब मैं यहाँ पे करूँगा ऑटोसम का यूज। जैसे मैंने ऑटोसम का यूज किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लैंक सेल है उसके जितने भी ऊपर न्यूमेरिकल डेटा है उसको कर दिया एस्केप, यानी कि उसको इग्नोर कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि ब्लैंक सेल, जो भी हमारा न्यूमेरिकल रेंज है, उनके बीच में कहीं भी ब्लैंक सेल या फिर टेक्स्ट सेल आए, यानी कि अल्फाबेट वाला अगर कोई सेल है तो उसके ऊपर जितने भी डेटा होगा उसको वो कर देगा इग्नोर, उसको नहीं जोड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा केवल 98 and 45 का एडिशन आ चुका है। अब मैं एक और रूल आपको समझाऊं कि जैसे ये तो वर्टिकली काम कर रहा है, ये हॉरिजेंटली भी एडिशन करने का काम करता है। सपोज मैंने यहाँ पे 45 लिखा, 25 लिखा, 36 लिखा, 98 लिखा, अब मैं यहाँ पे करूँगा एडिशन, तो ये यहाँ एडिशन वाला काम कर लेगा, लेकिन कितना, जितना उसको कंटिन्यूसली जो नंबर सीरीज मिलेंगे बस उसी को ये ऐड कर सकता है। अगर बीच में कोई टेक्स्ट या ब्लैंक मिले तो उसके आगे का काम वो नहीं कर सकता है। ओके, तो ये हमने समझ लिया ऑटोसम का यूज़ कैसे कर सकते हैं, हमने दो तरीका इसे बता दिया, शॉर्टकट भी, फॉर्मूला से भी। ओके, इसको अब मान लीजिए कि ये तो हमारे पास 5-6 डेटा है, हम इसको बारी बारी से कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज ये 1000 डेटा हो, 10000 डेटा हो, उनमें हमें एक ही फॉर्मूला को सारे रो में अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, क्या हम सबको बारी बारी से सिलेक्ट कर करके करेंगे? नहीं, 1000 बार करना पड़ेगा। क्या हम सब सेल में जाकर अल्ट इक्वल टू करेंगे? ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हमें बार बार प्रोसेस करना पड़ेगा। तो एक मैं बहुत ही अच्छा सा टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो जो भी सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है उस सेल को सिलेक्ट करते हुए बाकी जितने भी सेल में अप्लाई करने हैं उनको आप सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया,
बस अब क्या करना है, ऑटो सम के जस्ट नीचे एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन का नाम है फिल। आप फिल के एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फिल से रिलेटेड चार डायरेक्शन मिल जाएंगे, फोर डायरेक्शन है यहाँ पे, डाउन, राइट, अप एंड लेफ्ट। अब आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन में फिल करना है, तो हमारा जो फॉर्मूला वाला वैल्यू है ये टॉप पे है और इसी डेटा को नीचे की तरफ हमें फिल करना है, डाउन फिल करना। ओके, तो हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, डाउन फिल, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे डाउन सेल क्लिक किया, अरे वाह, यहाँ पे तो सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली सम हो के आ गया। हम यही तो चाहते थे कि एक ही टाइम पे हमारा सारा का सारा डेटा फिल हो जाए। अब यहाँ पे एक हो, दस हो, हजार हो, पाँच हजार हो, डजंट मैटर, मैटर ये करता है बस इसको हमें अप्लाई कैसे करना, सिलेक्ट कैसे करना है, बस। ओके, तो ये हो गया हमारा वर्टिकली। सेम इसी तरह से हम हॉरिजॉन्टली भी काम कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जिस भी डायरेक्शन में आप फिल करना चाहते हो सेम चीज को, तो वो फिल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे कॉलेज नेम हो गया या इंस्टीट्यूट नेम हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटर लिख दिया और सेंटर में मैंने लिख लिया CSC। अब CSC सेंटर के हैं बच्चे, तो अब सब तो CSC के ही होंगे। अब मैं ऐसा करूँगा कि सबको CSC भर दो, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करता हूँ Ctrl D, जो कि डाउन फील्ड को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम सब कुछ अप्लाई, सब में CSC आ चुका है। तो ये नहीं है कि केवल और केवल हम न्यूमेरिकल डेटा पे ही काम कर सकते हैं, फिल वाला काम हम टेक्सुअल डेटा पे भी काम कर सकते हैं। अब सेम स्टाइल इसके ऊपर भी हमें लगाना है, तो हमें पता है हमें फॉर्मेट पेंटर पढ़े हुए हैं, जो कि एक जगह से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरी जगह अप्लाई करता है। तो ये देखिए हमारा एक और टेबल में कॉलम ऐड हो चुका। आई होप कि आपको ये फिल भी समझ में आ चुका होगा। लेकिन फिल में एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि है सीरीज। सीरीज में होता है कि कोई सिक्वेंशियल डेटा हमें भरना है, सपोज रोल नंबर हमें लिखना है और रोल नंबर 1000 स्टूडेंट का हमें लिखना है, 10000 स्टूडेंट का लिखना है, 100000 स्टूडेंट का लिखना है। जैसे सपोज मान लीजिए कि होता ये है कि हमने कोई जॉब का, आप देखे होंगे कि जॉब में बहुत सारे लाखों स्टूडेंट जाते हैं या फिर 10th 12th के एग्जामिनेशन में लाखों स्टूडेंट जाते हैं, तो क्या उन सबका जो रोल नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, क्या मैनुअली बैठ के लिखा जाता होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो एक ऑटोमेटिकली सीरीज होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऑटोमेटिक बढ़ते चला जाएगा। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसको हम समझते हैं। उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक जगह 1 लिख लेते हैं। अब जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस नंबर से, उस नंबर को आपको पहले सेल में लिखना होता है। देन आपको क्या करना है, हम सीरीज में चलते हैं। सीरीज में जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ विंडो ऑप्शन दिखेंगे, जैसे यहाँ पे सीरीज इन है, यानी कि जो हम सीरीज इनपुट करने वाले हैं रो में करने वाले हैं या कॉलम में करने वाले हैं। अब सीरीज का टाइप क्या होगा, लीनियर होगा, ग्रोथ होगा, डेट होगा या ऑटोफिल होगा। लीनियर का मतलब होता है सीक्वेंशियल, डायरेक्ट, लाइन बाय लाइन, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ग्रोथ में मल्टीप्लाई होता है, एक बार और मैं बता दूं, लीनियर में एडिशन होता है, ग्रोथ में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। डेट है तो डेट के अकॉर्डिंग चलेगा, जैसे हम डेट को चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेट यूनिट हाईलाइट हो जाएगा। अब डेट में हम डे वाइज डे इंक्रीज करना चाहते हैं या वीक डे पे इंक्रीज करना चाहते हैं या मंथ पे इंक्रीज करना चाहते हैं या ईयर पे इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये डेट के लिए है। ऑटोफिल एक कंसेप्ट है, जो कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखे हैं, जो कि ऑटोमेटिकली फिल करने वाला होता है। तो हम इसको कैसे सेट करते हैं इसको भी हम समझेंगे, बट इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं लिनियर को। सबसे पहले हम लिनियर से समझते हैं, और हमारा स्टार्टिंग वैल्यू हो गया 1 और एंडिंग वैल्यू हमें देना होता है। तो सपोज हम लिख लेते हैं 100 एंड गो कॉलम, तो हमें ऐसे भरना चाहते हैं, तो ये हमने कॉलम है तो हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। ये टॉप टू बॉटम की तरफ के डायरेक्शन में ये फिल हो जाएगा और जस्ट मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लास्ट कहाँ तक चला गया, 100 तक आ चुका है। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं दूसरा पॉइंट यूज करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और मैं यहाँ पे 2 का टेबल लिखना चाहूँगा। तो चलिए हम 2 का टेबल प्रिंट करते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो हमें जाना है फिल में, जाना है फिल में, जाने के बाद हमने सीरीज में गया, लीनियर ही रखेंगे क्योंकि हमें एडिशन करना है कितने से, तो 2 से एडिशन करने जाना है। स्टेप वैल्यू क्या रखना है, तो 2 रखना है ना, क्योंकि हमें 2 में 2 से ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 4 में 2 से ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और लास्ट हम 20 तक अगर लिखते हैं और रो के बाद हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, लीनियर रखा है 2 और 20 रख के मैंने ओके किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार में हमारा टेबल प्रिंट हो चुका है। अब आप किसी भी टेबल का अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो बड़े आसानी से आप प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने लीनियर सीरीज को सीख लिया है। अब मैं थोड़ा ग्रोथ को आपको बता दूँ, तो ग्रोथ के लिए मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया
और 5 करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे एक बार और जाता हूँ सीरीज में जाने के बाद मैंने ग्रोथ किया और यहाँ पे मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया स्टेप वैल्यू कितना मैं सपोज हमने लिख लिया 2 और यहाँ पे एंडिंग वैल्यू क्या होगा तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1,00,000 मैंने लिख लिया और बस ओके किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 × 2 हो गया 5×10, 10×20, 20×40, 40×80, 80×2, 160 और इसी तरह से ये इंक्रीज होते चला गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर बार 2 से मल्टीप्लाई होते 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 लास्ट कहाँ तक पहुँच चुका है तो 81,920 पे पहुँच चुका है। और जैसे अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 100,000 से ज़्यादा चला जाएगा। जब 100,000 से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा तो फिर ये इसके जो वॉन्ड्रीज है जो हमने लास्ट अमाउंट दिया था 100,000 तो ये उसको क्रॉस कर जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होना है, उसको क्रॉस नहीं होने देना है, इसलिए ये लास्ट तक चला। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ, मैं एक बार फिर से छोटे नंबर पे ट्राई करूँगा। मैंने यहाँ पे 2 लिखा और 2 लिखने के बाद फिर से मैंने इसको सेलेक्ट किया, फील्ड में गए, सीरीज में गए, कॉलम सेलेक्ट कर लिए, ग्रोथ सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे मैंने स्टेप वैल्यू दे दिया 2 और एंडिंग वैल्यू दे देते हैं 100। छोटे वैल्यू पे हम समझते हैं स्टेप का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे लिनियर अगर रहता तो इस स्टेप वैल्यू से स्टार्टिंग वाले वैल्यू को प्लस करता, लेकिन ग्रोथ हो रहा है तो यानी कि मल्टीप्लाई होगा। ओके, और लास्ट कहाँ तक होना है, 100 तक होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2×4, 4×8, 8×16, 16×32, 32×32 हो जाएगा 128, यानी कि 64×2 = 128 हो जाएगा, जो कि 100 से एवब जा रहा है। तो इसलिए ये 100 से ज़्यादा नहीं जाने देगा, ये यहीं पे स्टॉप कर दिया। तो ये हमारा एक लास्ट वैल्यू 64 तक ही रख दिया। तो ये हमने एक ग्रोथ सीरीज कर लिया विद द हेल्प ऑफ फिल। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे ऊपर कॉलम हेडर को देखेंगे, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ इस तरह से लिखा हुआ है कॉलम। लास्ट कहाँ तक गया है, तो लास्ट हमारा गया है एक्स एफ डी तक। अच्छा, मैं ये पूछूं कि इसमें कितने कॉलम है तो आप कितना बताओगे। यहाँ तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो नहीं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको काउंट करते हैं। और काउंट हमने 1 से स्टार्ट किया और हमने फिल किया और सीरीज में गए और यहाँ पे मैं रो को सिलेक्ट करूँगा और मैंने यहाँ पे लीनियर रखा है और स्टेप वैल्यू 1 रखा है, यानी कि 1+1 = 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7 करते हुए ये लास्ट कहाँ तक जाए। तो इसकी जो अमाउंट होता है वो होता है 16,384, ठीक है, जो कि मैंने टाइप कर दिया, लेकिन मैं 84 के जगह पे 80 ही रखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। जस्ट मैंने ओके किया तो अभी आप देख सकते हैं कि लास्ट हमारा कहाँ तक गया है, 16,380 तक। 80 के बाद आएगा 81, 82, 83, 84, ठीक है। तो लास्ट हमारा एक्स एफ डी कितने जा रहा है, 84 तक ही जा रहा है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ ट्रैक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट हमारा एक्स एफ डी कितना है, 16,384 कॉलम बने होते हैं। तो एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि एक सीट में मैक्सिमम कितने कॉलम होते हैं, तो एक सीट में मैक्सिमम 16,384 कॉलम होते हैं और रो की संख्या कितनी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, एक सीट में मैक्सिमम जो रो की संख्या होती है वो होती है 10,48,576, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रो एंड कॉलम की अमाउंट। अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सेल की संख्या कितनी है, तो सेल की संख्या आप रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल की संख्या आ जाएगा। और ये है आपका होमवर्क, आपको क्या करना है कि 10,48,576 और फिर हमारा जो कॉलम संख्या 16,384 इसको आपको करना है मल्टीप्लाई। ये हमारा रो का अमाउंट हो गया, ये हमारा कॉलम का अमाउंट हो गया और आपको सेल का अमाउंट को करना है फाइंड। ओके, ये आपका होमवर्क है जिसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि मैक्सिमम सेल की संख्या कितनी होती है। तो मुझे पता चलेगा कि ये जो क्लास है आपको बेहतर समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूछने में आपको डरना नहीं चाहिए, जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपके जो वीकनेस है, जो नहीं पॉइंट समझ में आया वो दूर कैसे किया जाएगा। ओके, और मैं यहाँ पे अभी इस वीडियो में एक और लास्ट ऑप्शन को बताऊंगा जो कि है क्लियर ऑल। क्लियर
फॉर्मेट, क्लियर कमेंट्स, यानी कि क्लियर ऑप्शन में बहुत सारे हैं जिसको मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ। क्लियर ऑल है, क्लियर फॉर्मेट्स है, क्लियर कंटेंट्स है, क्लियर कमेंट्स है एंड क्लियर हैपनिंग है। क्लियर ऑल का मतलब हुआ कि सब कुछ डिलीट कर देना, ठीक है, सब कुछ मतलब कि टेल स्टाइल कलर सब कुछ एवरीथिंग को क्लियर कर देना। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ से क्लियर ऑल कर दूँ तो सब कुछ डिलीट हो गया। अभी मैं कंट्रोल जेड करके वापस लाता हूँ। अभी मैंने यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स करूँगा तो जो भी टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल है वो हट जाएगा। जैसे कि ये जो डेटा है अगर मैं डिलीट बटन करूँगा तो ये डिलीट नहीं होगा, लेकिन अक्षर लिखा हुआ है अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये डिलीट होगा, लेकिन ये कलर नहीं डिलीट हो रहा, तो इसको कैसे डिलीट किया जाएगा? तो क्लियर जाके क्लियर फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ जो भी सेल पे स्टाइल लगे हुए हैं, कलर लगे हुए हैं, उसको क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। और कंटेंट का मतलब होता है कि डेटा डिलीट करना, जो कि आप नॉर्मली डिलीट बटन से भी कर सकते हैं जो कि कीबोर्ड में होता है। कमेंट और हाइपरलिंक को भी डिलीट किया जाएगा। जब हम कमेंट और हाइपरलिंक लगाना सीखेंगे उसके बाद अभी हम उसको क्लियर कर सकते हैं, तभी तो हमने उसको लगाया ही नहीं तो क्लियर कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमने तीन ऑप्शन पढ़ा, ऑटोसम, फिल एंड क्लियर। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा। आज की ये छोटी सी क्लास आपको बेहद समझ में आया होगा तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, और हमारे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ऑन कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो इस टाइप के वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप एंड फेसबुक वॉल पे भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फ्री एजुकेशन पहुंच सके और वो अपने लाइफ कैरियर को सेट कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।